व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग की वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ डाइंग लाइट 2 गेम इन माय लो एंड लैपटॉप जो आई 3 8 जनरेशन और इंटेल G620 बेस्ट एक लैपटॉप। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ डाइंग लाइट 2 गेम और देखूंगा कि आप लोगों को मुझे कितने पैसे मिलता है इन दिस गेम। एंड गाइस, अगर आपके मेरे से सीरियस स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको कितना पैसे मिलेगा इसके लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है कमेंट बॉक्स पे। मैं कमेंट के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं इन रिस्पेक्ट इन दिस गेम। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते हैं ना, चलिए जीरो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोग देखूंगा है ग्राफिक सेटिंग। तो मैंने जो रेजोल्यूशन रखा है 12x720 है, फुल स्क्रीन रखा है और या फिर अपस्कलर मोड को मैंने FSAR परफॉर्मेंस पे रखा है। एडवांस वीडियो सेटिंग्स पे जाऊंगा तो एडवांस वीडियो सेटिंग्स पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ, जितना भी सेटिंग्स है सब मैंने लो रखा है। आप लोग देख सकते हो ये टेक्सचर मीडियम है क्योंकि ये मीडियम के नीचे नहीं जाता है, मीडियम और हाई ऑप्शन है तो मैंने इसको मीडियम रखा है, मतलब मीडियम मतलब ही लो है। तो सिंपली 720 पे लो सेटिंग्स पे मैं इस गेम को टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि आप लोगों को मुझे कितना मिलता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गए हूँ गेम पे और गेम पे जो FPS देखने के लिए मिला है 13, 14, 15 का FPS, 17 का 16 का, तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो ऑलमोस्ट 15 का FPS गेम पे देखने के लिए मिल रहा है, जो मुझे लगता है मैं इसके हिसाब से बोलूँगा काफ़ी अच्छा खासा FPS है क्योंकि ये गेम 2022 का गेम है और उसके हिसाब से गेम चल रहा है, यही बड़ी बात है। लिटरली बिलीव मी और नॉट, ये गेम चल रहा है बड़ी बात है। 2022 का ये गेम है और काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट्स का गेम है और उसके हिसाब से ये इंटेल वेजिटी इसको चला पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और जितने FPS दे रहा है मुझे लग रहा है मोर देन इनफ है, काफ़ी ऐसा गेम है जो इतना FPS भी नहीं दे पाता है, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा जो FPS दे रहा है ठीक ठाक है। बात कीजिए ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो ऑप्टिमाइजेशन भी मैं काफ़ी अच्छा खासा कहूँगा क्योंकि गेम इंटेल वेजिटी 620 में गेम चल रहा है, लिटरली बड़ी बात है। तो ऑप्टिमाइजेशन उसके हिसाब से मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा बेटर रिक्वायरमेंट्स का PC है तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इस गेम को आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। डाइंग लाइट 2 को काफ़ी अच्छी तरीके से खेल सकते हो लिटरली गाइस, मतलब थोड़ा सा आपको बेटर आपके पास PC या लैपटॉप है तो उसके हिसाब से। तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन को तो मैं अच्छा ही कहूँगा क्योंकि गेम इंटेलोजी में चल रहा है, इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बढ़िया किया किए होंगे वो लोग। नहीं, अगर आपका भी मेरे से सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका थोड़ा मुझसे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है, आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है, मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पैसे मिल सकते हैं इन योर स्पेस इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपके पास इंटेल HD ग्राफिक्स है, मैं उसमें ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि ये गेम चलेगा कि नहीं क्योंकि ये गेम काफ़ी हाई का गेम है, तो इंटेल HD पे चल रहा है तो मे बी HD की कुछ 620 में चल जाए, बट 8GB रैम ऑब्वियसली रिकमेंड करूँगा, 4GB रैम में तो मत ही सोचो ये गेम के चलाने का। एंड गाइस बात कीजिए गेम के बारे में, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने डाइंग लाइट 1 तो खेले ही होंगे, तो डाइंग लाइट 1 जैसे खेले होंगे नॉर्मल डाइंग लाइट जो होता है, और डाइंग लाइट 2 जो है वो भी मतलब ऑलमोस्ट मतलब सेम टाइप का गेम है, ये नहीं सेम स्टोरी का गेम है, स्टोरी बहुत अलग है इसका। आपको स्टोरी काफ़ी अच्छा भी मैंने सुना कि काफ़ी अच्छा खासा स्टोरी है इसका, तो नॉर्मली मिलता जुलता गेम है बट स्टोरी ऑब्वियसली एक नहीं है गेम का, तो ऑब्वियसली आप लोग ये मैं सोचो कि स्टोरी एक है। बट ग्राफिक क्वालिटी की बात किया जाए तो ग्राफिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस गेम का, इसलिए आप लोग हाई रिक्वायरमेंट्स का PC है तो बहुत बढ़िया इसका ग्राफिक है। ग्राफिक क्वालिटी मतलब आप लोग अच्छा खासा हाई करके खेलोगे तो आपको पता चलेगा, मैं लो पे खेल रहा हूँ तो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट ओवरऑल गेम काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। बात कीजिए गेम की साइज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली अराउंड 70GB के आसपास इसका साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है, तो आप लोग बस वाईफाई नहीं है तो डाउनलोड नहीं कर सकते, यही मैं कहूँगा। और नॉर्मली ये मतलब बड़ा साइज़ का गेम है क्योंकि बहुत बढ़िया गेम है और बहुत 2022 का एक पॉपुलर सीरीज़ का गेम है, तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा इसके लिए ज़्यादा है इसका साइज़। और ऑब्वियसली दिस गेम इज़ ऑल्सो प्लेबल ऑन इंटेल G620। आप लोग ये मूवी कह सकते हो 15 FPS पे विदाउट कोई, मुझे अभी तक तो कोई लैग स्टेटस देखने के लिए नहीं मिला, तो इसके हिसाब से आप लोग खेल सकते हो गेम को, ऐसा नहीं कि खेल नहीं सकते चला सकते हो, बट मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी हीट होगा लैपटॉप आपका क्योंकि बहुत बड़ा एक गेम है और बहुत नया ग्राफिक का गेम है, तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट तो नहीं करता हूँ। और ऑल्सो प्लेबल है, ठीक ठाक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो चाहो तो एक बार। एंड वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो अच्छी लगी देन वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो गाइस मिलता हूँ सबने अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस।